आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द विकेट। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम अमेंडा नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। अमेंडा अपनी खिड़की की तरफ देखकर रो रही थी, तभी कमरे में उसकी मॉम उसके पास आती है। अमेंडा रोते हुए यहाँ अपनी मॉम से कहती है कि वो चुड़ैल इसे उठाकर ले जाएगी क्योंकि इसने उस चुड़ैल के घर के कांच को तोड़ा है। लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो सर्प सिर्फ कहानियों में होता है, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों से डरना नहीं चाहिए। अमेंडा की मॉम अमेंडा को उसके कमरे में सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अमेंडा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसके कमरे की खिड़कियाँ अचानक से खुल जाती है। यहाँ एक चुड़ैल अमेंडा को खिड़की से बाहर खींचने लगती है। अमेंडा अपनी मदद के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन जब तक उसकी मॉम उसके कमरे में आती तब तक वो चुड़ैल अमेंडा को यहाँ से लेकर जा चुकी होती है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम सेमी नाम की एक लड़की को देखते हैं। सेमी अपनी साइकिल से कहीं पर जा रही थी, लेकिन रास्ते में सेमी अमेंडा की मॉम को देखती है जो अमेंडा की मिसिंग पोस्टर्स लगा रही थी। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में था। अपने ग्रैंडफादर की डेथ से मैक्स काफी सैड था। दूसरी तरफ हम मैक्स के भाई जैक को देखते हैं जो अपने फ्रेंड कार्टर से बात कर रहा था। यहाँ पर कार्टर की गर्लफ्रेंड टेरी भी आती है। ये तीनों यहाँ ओपन हार्ट नाम की एक जगह पर जाना चाहते थे। दरअसल यहाँ सभी लोगों का मानना था कि ओपन हार्ट में एक चुड़ैल रहती है और अगर उसके घर पर कोई पत्थर मारता है तो वो चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। ये तीनों यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी सेमी इन्हें देख लेती है। सेमी यहाँ छुपकर इनकी बातें सुनने लगती है, लेकिन जैक यहाँ सेमी को देख लेता है। जैक सेमी को डांटता है और कहता है कि ये ओपन हार्ट जाने वाली बात किसी को भी ना बताए। इसके बाद सेमी मैक्स से मिलती है। सेमी मैक्स से कहती है कि इसका भाई जैक ओपन हार्ट जाने वाला है तो क्यों ना हम भी वहाँ उसके पीछे जाए। मैक्स सेमी की बात नहीं मानता और ये वहाँ जाने से मना कर देता है। अगले दिन जैक ओपन हार्ट जाने के लिए घर से निकल जाता है। इसके बाद मैक्स सेमी से मिलता है और ये सेमी को अपने भाई जैक का पीछा करने के लिए कहता है। सेमी भी इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि ये पहले से ही ओपन हार्ट जाना चाहती थी। जैक अपने दोस्तों के साथ जूली के घर पर आता है क्योंकि जूली भी इनके साथ ओपन हार्ट जाने वाली थी। जूली को यही देखते ही जैक इस पर लट्टू होने लगता है। जूली को लेकर ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। ये तीनों जब रास्ते में चाय पीने के लिए रुकते हैं तब टेरी इन्हें बताती है कि ओपन हार्ट एक भूतिया घर का नाम है और उस घर में एक चुड़ैल रहती है। टेरी कहती है कि अगर कोई उस चुड़ैल के घर में लगे कांच को तोड़ता है तो वो चुड़ैल उस आदमी को जान से मार देती है। टेरी की इन सब बातों पर जूली को जरा भी यकीन नहीं होता है। चाय पीकर सभी लोग ओपन हार्ट के लिए निकल जाते हैं। उधर हम मैक्स और सेमी को देखते हैं जो साइकिल लेकर जंगल के रास्ते से ओपन हार्ट की तरफ जा रहे थे। सेमी और मैक्स एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। तब मैक्स यहाँ सेमी को कुछ मैजिक करके दिखाता है। दरअसल मैक्स को मैजिक करना इसके ग्रैंडफादर ने ही इसे सिखाया था। कुछ देर बात करने के बाद सेमी मैक्स को किस करने लगती है, लेकिन मैक्स यहाँ सेमी को रोकता है क्योंकि मैक्स को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उधर हम जैक को देखते हैं जो अपनी कार लेकर एक लेक के पास आता है। अब आगे जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए ये सब यहाँ पैदल ही आगे जाने का सोचते हैं। कुछ दूर पैदल आने के बाद ये ओपन हार्ट तक पहुँच जाते हैं। ये जगह काफी डरावनी लग रही थी। ये लोग यहाँ जानना चाहते थे कि क्या सच में ओपन हार्ट में कोई चुड़ैल रहती है, इसलिए ये सब यहाँ पत्थर उठाकर उस घर पर मारते हैं। पत्थर से खिड़की के कांच टूट जाते हैं और ये पेड़ के पीछे छुपकर वहाँ देखने लगते हैं। खिड़की में इन्हें किसी की परछाई दिखती है जिसे देखते ही इनकी फट जाती है और ये सब यहाँ से भागते हैं। हम देखते हैं कि चुड़ैल इन्हें देख रही थी। उधर मैक्स भी सेमी के साथ ओपन हार्ट पहुँचने वाला था। रात में कार्टर टेंट में ही टेरी के साथ खपागप कर रहा था। रात में जूली जैक के साथ एक लेक पर आती है। ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं। बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। जैक को अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जैक जब यहाँ चेक करता है तब यहाँ पर कोई भी नहीं होता। जूली यहाँ अपने कपड़े निकालती है और ये जैक को अपने साथ लेक में स्विमिंग करने के लिए कहती है। जूली और
और जैक लेक में स्विमिंग करते हुए एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। उधर मैक्स और सेमी भी ओपन हार्ट तक आ गए थे। ये दोनों भी यहाँ जानना चाहते थे कि क्या सच में इस घर में कोई चुड़ैल रहती है। इसलिए सेमी एक पत्थर घर पर मारती है, लेकिन वो पत्थर घर पर नहीं लगता। मैक्स जब पत्थर घर पर मारता है तब वो पत्थर खिड़की पर जा लगता है। पत्थर लगने से वो चुड़ैल दरवाजे पर आ जाती है, जो इन्हें देखने लगती है। चुड़ैल को देखते ही ये दोनों डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। रात में सोते समय जूली को कुछ आवाज सुनाई देती है। जूली जब बाहर चेक करने आती है तब इसे यहाँ एक टेडी बियर मिलता है, जो कि अमेंडा का था, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जूली कहती है कि अभी यहाँ पर कोई तो था जो अमेंडा को लेकर यहाँ से अभी अभी गया है। जूली पुलिस को अमेंडा के बारे में बताने के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन जैक इसे रोकता है और कहता है कि ये लोग खुद ही अमेंडा को ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो यही कहीं आसपास होगी। ये सब मिलकर अमेंडा को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मैक्स और सेमी को देखते हैं। इन दोनों ने उस चुड़ैल को देखा था, इसलिए ये दोनों यहाँ इस जंगल से निकलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है, जो इन दोनों पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम जैक को उसके दोस्तों के साथ में देखते हैं। ये सब ओपन हार्ट तक पहुँच गए थे। जूली और जैक चेक करने के लिए घर के अंदर जाते हैं, लेकिन कार्टर और टेरी यहीं बाहर ही रुकते हैं। घर के बेसमेंट से जैक को रोने की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों जब बेसमेंट में आते हैं तब इन्हें यहाँ पर अमेंडा दिखती है, जो यहाँ डर कर रो रही थी। जैक और जूली अमेंडा को यहाँ से निकालते हैं। जैक को यहाँ चुड़ैल के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए ये दोनों अमेंडा को लेकर यहाँ से भागते हैं। अमेंडा को लेकर ये दोनों बेसमेंट से बाहर आ गए थे। अब इन सभी को यकीन हो गया था कि ओपन हार्ट के इस घर में सच में एक चुड़ैल रहती है। जैक को यहाँ मैक्स और सेमी की साइकिल दिखती है। जैक को ये लगता है कि उस चुड़ैल ने मैक्स और सेमी को भी पकड़ लिया है, इसलिए जैक इन सबको यहाँ से जाकर मदद बुलाने के लिए कहता है और ये खुद अकेला ही ओपन हार्ट की तरफ निकल जाता है। ये तीनों जब अपनी मदद बुलाने के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में चुड़ैल इनके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देख ये सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं। चुड़ैल कार्टर और टेरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जूली और अमेंडा उस चुड़ैल से बच जाती है, क्योंकि ये लोग यहीं पर छुप गई थी। जैक को घर के सामने वाले पेड़ के ऊपर सेमी दिखती है। सेमी नीचे आकर जैक को बताती है कि उस चुड़ैल ने मैक्स को पकड़ लिया है। जैक कहता है कि तुम पास के स्टेशन पर जाकर हमारे लिए मदद लेकर आओ, तब तक मैं अंदर जाके मैक्स को छुड़ाता हूँ। सेमी मदद के लिए यहाँ से चली जाती है, तो जैक भी घर के अंदर आता है। जैक यहाँ कार्टर को देखता है। वो चुड़ैल कार्टर के ऊपर किसी तरह का रिचुअल कर रही थी। जैक यहाँ चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल जैक को बेहोश कर देती है। उधर हम सेमी को देखते हैं, जो स्टेशन पर पहुंचकर पुलिस को कॉल करती है। सेमी पुलिस को सारी चीजें बताती है, इसलिए पुलिस इनकी मदद करने के लिए इनके पास आने लगती है। उधर जैक को जब होश आता है तब ये खुद को मैक्स के पास बंधा हुआ पाता है। जैक देखता है कि वो चुड़ैल कार्टर को मार देती है। वो चुड़ैल कार्टर का मांस खाने लगती है। मांस खाकर चुड़ैल अपने चेहरे को शीशे में देखती है, लेकिन शीशे में चुड़ैल को अपने चेहरे पर कोई भी फर्क नहीं दिखता। इस बात से चुड़ैल काफी गुस्सा होती है और ये टेरी को भी मार देती है। चुड़ैल जब टेरी को मांस खाकर अपने चेहरे को दोबारा से शीशे में देखती है, तब इस बार इसे अपने चेहरे पर कुछ फर्क नजर आता है। हम देखते हैं कि जैक यहाँ खुद को किसी तरह से छुड़ा लेता है। चुड़ैल जब इनके पास आती है तब जैक और मैक्स चुड़ैल को बेहोश करके यहाँ से भागते हैं। जैक और मैक्स किसी तरह उस कमरे से निकलकर बाहर आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ प्लान बनाकर इस जंगल से बाहर निकलने का सोचते हैं, लेकिन तभी वो चुड़ैल इनके सामने आ जाती है, जो इन दोनों को पकड़ लेती है। सेमी ने जिस पुलिस को कॉल किया था वो पुलिस जूली के पास आती है। पुलिस को यहाँ देख जूली और अमेंडा काफी खुश होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर सेमी के पास भी आता है, तो सेमी इसे ओपन हार्ट की तरफ लेकर आने लगती है, क्योंकि जैक और मैक्स अभी भी वहीं पर थे। एक पुलिस ऑफिसर जब घर में चेक करने आता है तब चुड़ैल इसे बेहोश कर देती है।
सैमी अब खुद कार से उतरकर घर में आती है। सैमी यहाँ मैक्स को देखती है जो कि यहाँ पर बेहोश था। सैमी मैक्स को लेकर यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी वो चुड़ैल अचानक से यहाँ आकर इन्हें अपनी पावर की मदद से अपनी तरफ खींचने लगती है। यहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो चुड़ैल के ऊपर शूट करता है। मौका पाकर सैमी और जैक यहाँ से निकल जाते हैं। मैक्स को यही जैक दिखता है जो कि बेहोश था। मैक्स जैक को होश में लेकर आता है। मैक्स को यहाँ एक बीच की बोतल मिलती है। मैक्स को अब पहले से ही ब्लैक मैजिक आती थी, इसलिए मैक्स इस बोतल में तीनों का खून डालता है। चुड़ैल जब इनके पास आती है तब मैक्स इस बोतल को चुड़ैल के सामने रख देता है, जिसके वजह से वो चुड़ैल कमजोर होने लगती थी। कमजोर होकर ये चुड़ैल यहाँ से भाग जाती है। ये तीनों जब यहाँ से निकल रहे थे तब दोबारा वो चुड़ैल उनके सामने आती है। चुड़ैल अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई थी, इसलिए ये इन तीनों की एनर्जी अपनी तरफ खींचने लगती है। मैक्स के पास जो विच की बोतल थी वो गिरकर टूट जाती है। मैक्स को यहाँ विच बांध के बारे में पता चलता है, इसलिए मैक्स अपनी जेब से लाइटर निकालकर विच के सामने रखता है। लाइटर से ब्लू फ्लेम निकलती है। इस ब्लू फ्लेम में चुड़ैल जलकर यहीं पर मर जाती है। अब घर में से सैमी, मैक्स और जैक बाहर आते हैं, क्योंकि सिर्फ यही लोग यहाँ पर जिंदा बचे थे। कुछ समय बाद पुलिस यहाँ आती है और वो घर में घुसकर छानबीन करने लगते हैं। जूली जब यहाँ आती है तब ये जैक को यहाँ जिंदा देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद ये सीन यहीं से कट होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि ओपन हार्ट के उस घर को तोड़कर यहाँ पर एक पार्क को बना दिया गया है। इस पार्क में कई सारे बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पर हम उसी चुड़ैल को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा थी और ये यहाँ अपनी इंसान वाले रूप में होती है। ये चुड़ैल यहाँ एक बच्ची से मिलती है। ये चुड़ैल यहाँ एक डरावनी स्माइल देती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।